पर संविधान बचाओ अस्तित्व बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीएसएस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर आरपी सिंह अम्बेडकर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय गेहरा साहब, राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर एमपी सिंह अम्बेडकर साहब तथा सम्मानित मंच सामने बैठे एबीएसएस के क्रांतिकारी साथियों, माताओं एवं बहनों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, आज अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने देश के कोने कोने से आए हुए, देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों ने, हमारे एबीएसएस के विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी। ये एबीएसएस का संगठन 2011 से निरंतर वंचितों की लड़ाई के लिए संघर्षरत है। साथियों, एबीएसएस का एजेंडा साफ है। इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर ने जो एजेंडा दिया है, जो बैनर पे आज सामने संविधान बचाओ अस्तित्व बचाओ, तो साथियों स्पष्ट है, संविधान बचाने की बात आज जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के विभिन्न प्रदेशों में है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहती है और वो फिर पुनः बनवादी संविधान को लागू करना चाहती है। तो साथियों, हमारा अस्तित्व संविधान बचाओ, जब संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। साथियों, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, हमारा अस्तित्व आज मोहम्मद नईम जो एबीएसएस के मुंह से धार रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, एससी का अस्तित्व नहीं रहेगा, एसटी का अस्तित्व नहीं रहेगा, ओबीसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम साथियों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने के लिए इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर के नेतृत्व में देश का बच्चा बच्चा एबीएसएस का क्रांतिकारी साथी तैयार हो गया है। अब ये गूंजी बहरी सरकारें, इनको सुनना पड़ेगा। तमाम ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जा चुका, तमाम प्रधानमंत्री को दिया जा चुका, लेकिन कुछ नहीं। आरक्षण लागू किया जाए, न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है, वो रिपोर्ट हमें कैसे मिली? संविधान के बदौलत मिली। संविधान नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो है हमारे मुसलमान भाइयों, जो आज एबीएसएस के एजेंडे में आया है कि रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, उसमें ये बात है कि इनकी शैक्षिक स्थिति ठीक नहीं है, इनकी राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, इनकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। तो साथियों, अब ज्यादा बात ना करके एक शेर के माध्यम से, दो कदम तुम भी बढ़ो, दो कदम हम भी बढ़े, खुद ब खुद जो तरमिया है फासला मिट जाएगा। जुल्म सहने वाला तो जिंदा रहेगा, लेकिन जुल्म करने वालों का नाम निशान मिट जाएगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।